हेलो बच्चों, क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। और देखते हैं बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये हमें बच्चों चित्र दिया गया है, कहा जा रहा है ए बी ई और ए सी डी। ये दोनों क्या हैं बच्चों? ट्राइंगल सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए डी ई है वो सिमिलर होगा ए बी सी के। तो आओ बच्चों देखते हैं कैसे करते हैं। जो दिया है पहले नोट कर लेते हैं। दिया हमें क्या? ट्राइंगल ए बी ई, जो हमारा कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक, जो प्रूव करना है बच्चों वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो आओ बच्चों देखते हैं उत्पत्ति में। तो त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी में हमें दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी ई है, ये ए बी ई, ये हमें दिया है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। किसके? ए सी डी के। ए सी डी के ये हमें क्या है? दिया हुआ है। अब बच्चों जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं या साइड, वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किससे? सी पी सी टी से। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या है हमारे? दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल, जो एंगल ए होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल। एंगल जो बी होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल ई जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, बाई सी पी सी टी। उसी प्रकार जब एंगल सी पी सी टी से इक्वल होंगे तो इनके साइड्स का रेशियो भी, साइड क्या होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगे। इसमें साइड, साइड का रेशियो कॉन्ग्रेंसी में नहीं, साइड इक्वल होती है। तो बच्चों ए बी जो है वो किसके इक्वल होगी? ए सी के। ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? ए सी के। उसी प्रकार बी ई किसके इक्वल हो जाएगी? सी डी के। और ए ई जो इक्वल हो जाएगी, क्या? ए ई जो इक्वल होगी वो होगी ए डी के इक्वल। यही है, ए ई और ए डी ये इक्वल हो जाएंगी। तो बच्चों ये किससे सब इक्वल हुए? ये सारे बाई सी पी सी टी से ये सब इक्वल हो गए। थोड़ा और दूर लिख लेते हैं क्योंकि जगह है, तो इसको यूज़ कर लें बाई सी पी सी टी। तो ये तो हो गया बच्चों, इतना तो हमें गिवन है, इससे पता लग गया कि ये कॉन्ग्रेंसी से इक्वल है। अब हमें सिमिलर दिखाना है वो कौन से ट्राइंगल हैं। ए डी ई वो लिख लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई में तथा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। दोनों ट्राइंगल में हमें क्या क्या इक्वल है? दोनों में हमें एंगल ए कॉमन मिल रहा है, देख लीजिए ए डी ई और ए बी सी। तो एंगल ए हमें कॉमन मिल गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये क्या है हमारा? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब इनकी मदद से हम देख, अब ये एंगल अगर दोनों में कॉमन है तो
तो इनके करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी अगर इक्वल आ जाता है तो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक, अब ये ट्राइंगल ए डी ई है और दूसरा ए बी सी, तो हमें क्या, अगर ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी आ जाए तो साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो जाएगा कि सिमिलर है। तो वो हम कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, ये हम कहाँ से ले लेंगे, इस वाले पार्ट से निकाल लेंगे। और देखते हैं ये बच्चों हमारी कौन सी इक्वेशन थी, कोई नहीं इनके नाम देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, इसको ये वाली को मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सेकंड। अब अगर आप जरा देखिएगा ए ई अपॉन ए सी, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको पलट दो जरा, ये इधर कर दो ये उधर, ये क्या आ जाएगा ए डी अपॉन ए ई, ये इक्वेशन सेकंड। अब अगर ये इक्वेशन जो है हमारी सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ लिखिए समीकरण दो को समीकरण एक से भाग, ये इसी का है बच्चों, भाग देने पर, भाग देने पर। अब भाग अगर दे देंगे तो क्या आएगा, इसको इससे भाग देना है तो ए डी अपॉन क्या आएगा ए बी, क्या आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी, उसी प्रकार ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। ये हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रूव्ड कर चुके हैं, प्रूव्ड लिख देंगे रीजन में। तो अब ये चीज़ यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ये चीज़ अब यहाँ काम आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई, ए ई अपॉन ए सी। अब जरा ध्यान से देखिए, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी आ गया। तो करेस्पॉन्डिंग जो ये साइड्स हैं एंगल ए को जो बना रही हैं उनका रेशियो क्या हुआ, इक्वल आ गया। तो अब हम साइड एंगल साइड से कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो ए डी ई है ए बी सी के सिमिलर होगा। तो लिखते हैं बच्चों, यहाँ रीजन देते हैं प्रूव्ड, यहाँ पे देते हैं, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले प्रूव्ड कर चुके हैं। तो अब लिख लेते हैं कि ट्राइंगल जो हमारा है ए डी ई वो सिमिलर होगा, सिमिलर का साइन थोड़ा अच्छा बनाइएगा, क्या बन जाएगा ए बी सी, दोनों सिमिलर हो गए हमारे, ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी दोनों क्या हुए, सिमिलर हो गए। कौन सी क्राइटेरिया लग गई यहाँ, बाई लिख लेते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, कौन सी लगी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो बच्चों यही हमारा क्वेश्चन था, हेंस प्रूव्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। हाँ, अब तक मेरे चैनल को अगर बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस नई वीडियो के आप लोगों तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच, नोट इट डाउन।